नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल माता राम सेवा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर से अनेकों मरीज आते हैं, अनेकों समस्या के साथ आते हैं, जिनकी अनेकों तरह से परेशानी उनका दूर किया जाता है। सभी दोस्तों आगे बताते हैं कि सेक्स में थकान क्यों होता है, रोगी नपुंसक से क्यों एवं शारीरिक नपुंसकता, ब्रिज में कीटाणुओं की कमी, मैथुन संबंधित थकावट, स्नायुक्त संबंधित थकावट, कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी जैसे स्तंभ की शक्ति, जो स्तंभ में शक्ति दिखाते हैं उसकी कमी। अभी के समय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनकी स्तंभ में शक्ति बहुत कम जाती है। स्तंभ जंघा जो है वो स्तंभ है, उसमें शक्ति कम गया है, इसके कारण उनको इन सब चीजों में बहुत परेशानी। इसमें कीटाणुओं की गतिहीनता, ब्रिज में कीटाणुओं की गतिहीनता, ब्रिज का पतला, ब्रिज की कमी, मूत्र की जलन तथा मूत्र संबंधित अन्न संक्रमण में स्वास्थ्य वर्धक बाजीकरण योग होता है, बाजीकरण योग है। इन सारी समस्याओं के साथ कई कई मरीज यहाँ आते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं, फैमिली टेंशन में रहते हैं, हमेशा पारिवारिक विवाद बना रहता है, जिससे उनको निदान करना होना उनकी बस की बात है, उनकी बस के बात में है। तो चलिए दोस्तों, उनको कैसे निदान किया जाएगा इसके बारे में आपको बताएं। सबसे पहले उस मरीज को अपने सेहत के बारे में जानकारी रखना, कीटाणु कैसे खत्म हो गई, ब्रिज पतला क्यों हुआ, कैसे बनेगा, तो इसके बारे में सारी चीज आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज जानकारी दूंगा। बशर्ते इसकी पहले कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपको हम बात कर लेते हैं जो आपके लिए जीवन में अनिवार्य है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसका लाभ भी आपको मिले। गतिहीनता, ब्रिजहीनता, शुक्राणु कमी, ब्रिज पतलापन, अनेक समस्या उनके साथ घिरा हुआ है। पेशाब में जलन, शादी से पहले बहुत सारे बच्चे संभोग सेक्स करते हैं, सेक्स इतना ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, इतना ज्यादा कर देते हैं कि उनकी सारी चीज खो जाता है, उनके पास बचा कुछ नहीं रहता है, साल दो साल के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसको बनने के लिए, उसको तैयार होने के लिए कुछ ऐसे चीज सेवन करे जिससे को हमेशा तैयार होता रहे। तैयार नहीं होने का कारण भी बहुत सारे हैं। अधिकांशतः बच्चे फिल्मी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल पिक्चर देखते हैं, कि सबसे पहला कारण है कि उनको ब्रिज बाहर आ जाता है, अधिकतर समय वो देखते रहते हैं। अधिक समय में टेक्नोलॉजिकल फोन से, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा वो हमेशा सेक्सुअल बातें करते रहते हैं, उनसे मन में ख्याल आता है, उसके चलते भी कारण बनता है ब्रिज पतला होने का। मानसिक कमजोरी हो जाता है उनको, मानसिक शारीरिक कमजोरी का कारण है वो हमेशा तनाव में रहते हैं। तो चलिए उसका निदान हम कैसे करेंगे इसके लिए आपको बताएंगे कि इसका निदान कैसे करें। बहुत सारे मानसिक बीमारियां भी उनके साथ उत्पन्न होने लगता है, वो अक्सर तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को बताते हैं कि कैसे उसका निदान करना है। औषधि आप ले लें, उसको कैसे विधि बताते हैं, कैसे तैयार करेंगे उसके लिए बता देते हैं। इसके पहले जो भी हम बताए उसका लक्षण बता चुके हैं, ये लक्षण से उसको मानसिक कमजोरी नपुंसकता हो सकता है, उसकी समस्या बहुत गंभीर या जटिल बन जाता है। उस रोगी को सावधान रहना होगा, ऐसे चीज सेवन करना होगा जिससे आपको शरीर के अंदर ब्रिज बने, ब्रिज तैयार हो। आजकल सूखा पदार्थ लोग सेवन करना चाहते हैं, अधिकांशतः लोग तला हुआ सेवन करते हैं, खाना बना हुआ नहीं, शुद्ध चीज प्रयोग करना कतई नहीं चाहते हैं लोग। जैसे में आप भोजन करने के पहले आप पूड़ी खा लेते हैं, आप सिंघाड़ा खा लेते हैं, चाउमीन चाट खा लेते हैं, तो उनसे आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, उससे आपका ब्रिज नहीं बनेगा। कोई भी डॉक्टर से दिखा ले, कोई भी चिकित्सालय करवा ले, आपको कतई सेक्स कतई आपको ब्रिज नहीं बनने जा रहा, कभी नहीं ब्रिज बनेगा।
आपको ब्रिज बनाने के लिए कैसे ब्रिज आपके शरीर के अंदर बनेगा इसके बारे में आपको मैं बताया। 100 ग्राम समुद्री सोख, 100 ग्राम बच्छ ले, 100 ग्राम बच्छ, 100 ग्राम कबाब चीनी, 100 ग्राम कम्बोजी, 50 ग्राम पीपरी, 100 ग्राम जावंती, 100 ग्राम कुचता, 100 ग्राम कुचला, 25 ग्राम मरी, 100 ग्राम जाफर, 50 ग्राम सोट, 100 ग्राम लिविंग, 50 ग्राम कोच का बीज, आसन 50 ग्राम आसन, 100 ग्राम बरधारा, बरधारा मूल्य के उचित अनुपात के द्वारा इस औषधियों को सभी को इकट्ठा करके एक जगह करके आप पाउडर बना ले, डस्ट बना ले, उसको अच्छी तरह से उसको चाल करके छान करके पाउडर बना ले और इस औषधि को सभी को मिश्रण कर दे। सभी औषधि को मिश्रण करने के बाद आप प्रातः काल में सुबह एक बैल के समान एक गोली बना ले, एक समान रूप से जो बैल के गोली होता है, बैल जो आपका पका हुआ बैल मिलता है बाजार में या जंगल में भी आपका मिलता है, तो पके बैल के गोली के जो समान रूप से उसका बैल होता है उनके इतना गोली बना ले और उसको आप एक गोली सुबह दिन भर में 4 बार सेवन करें या 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करें। आवश्यकता अनुसार इस गोली को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। इसको सेवन करना है दूध के द्वारा, दूध के साथ ही सेवन करें। अंतिम गोली बेड पर सोते समय लेना चाहिए। अधिकतर लोग उसकी पहले लेते हैं, उसमें तनाव आता है तो उसकी स्थिति बिगड़ता है और उनको संभोग करने का मन करता है। इस सारी चीजों से और नपुंसकता की ओर जाते हैं लोग, तो क्या करें, उससे बचे और परहेज रहे। सेक्स का इच्छा जागेगा, आपको सेक्स को इच्छा को रोकना है, मन को मोड़ना है, मन को कंट्रोल में करना है, मन को बस में करना है। इन सारी चीजों के लिए आपको बताएं जिससे कि आपको परेशानी बिल्कुल कतई नहीं हो। अधिकतर लोग इन सारी चीजों नहीं करने के कारण उनको समस्या और गंभीर बन जाता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करें जिससे आपकी जीवन बर्बाद हो जाए। आप नपुंसकता पहुंच गए हैं तो बिल्कुल आपको 2-4-6 महीना जो भी इसका समय है उसमें आपको एडवाइस किया जाएगा, उसमें आपका बिल्कुल नपुंसकता दूर हो जाएगा, आपको जो कीटाणुहीनता है कीटाणुहीनता दूर हो जाएगा, इन सारे रोगों को निदान हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, लोगों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हमेशा इसको फायदा मिलते रहेगा। नमस्कार दोस्तों।